कसराव थाना क्षेत्र के इंदौर खरगोन मुख्य मार्ग के ग्राम भीलगांव स्थित मोड़ में बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस चालक सहित बस में बैठे यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें 100 डायल की मदद से कसराव अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 2:30 बजे के करीब इंदौर से खरगोन की ओर तेज गति से जा रही बस ने सामने मोड़ में मिनी ट्रक के चालक सीट के पीछे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मिनी ट्रक का डीजल टैंक तक निकलकर सड़क पर गिर गया। वहीं बस संचालक कमल सिसोदिया उम्र 45 वर्ष बुरी तरह से फंस गया, जिसे लोगों ने तत्काल निकालकर कसराव अस्पताल भेजा, जहां चालक का पैर फ्रैक्चर बताया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। कितने लोग घायल हुए थे सर जी? लगभग अभी हमारे पास 8 से 10 लोग के तकरीबन 10 लोग के आसपास आए हैं, जिसमें से एक को ड्राइवर को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसमें फ्रैक्चर होने की संभावना है सीधे घुटने की ओर पे या सीधे पैर में। साथ ही साथ में बुजुर्ग को थोड़े से कट लगे हुए हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को ब्रेक वगैरह लगने की वजह से नाक के ऊपर चोटें, ज्यादातर मैंने नाक के ऊपर चोट लगना बताया, तो हो सकता है साधारण चोटें भी हैं। एक दो में शंका है कि कोई गंभीर चोट हो सकती है। प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी को यहाँ से जिला अस्पताल भेज सकते हैं। सर, इसमें कोई मृत है? किसी भी प्रकार कोई मृत अवस्था में कोई नहीं आया। सभी अपनी चित अवस्था में बिल्कुल आए थे, सभी होश में थे और सभी के वाइटल में स्टेबल थे, ऐसा कोई क्रिटिकल कोई नहीं। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर नागेश्वर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।